तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलो नहीं। भेष दो राजा का मुझको या गले संहार हो। तुम मेरे जीवन के धन और प्राणाधार। जप रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है पवन। रंग रहे रंगों से जग को अजब रचना कार हो। तुम मेरे जीवन के तुम और प्राण। मैं एक बात कई बार कहा करता हूं, पहले मेरे भी मन में प्रश्न उठा करता था और मुझसे भी लोग पूछते थे कि आपको भगवान के दर्शन हो गए। फिर पूछते थे कहां हुए कैसे हुए। तो अब मैं आपसे कहता हूं और आपको भी इसी स्थिति में देखना चाहता हूं, अब मुझे भगवान के दर्शन हो गए। और वो कहां हो गए अब ये मत पूछो कि कहां हो गए, अब ये मत पूछो कि कहां नहीं हुए। अब मुझे सब में ही भगवान के दर्शन हो गए। सब में एक ही ब्रह्म दिखता है। अब ब्रह्म मिट गया, ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। वासुदेवः सर्वम्। सब बोलिए वासुदेवः सर्वम्। ईशावास्यमिदं सर्वम्। यो मां पश्यति सर्वत्र। ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि। स्वयं में और समष्टि में समय एक ही तो भगवान का नूर है। ये माइंड सेट होना चाहिए आपका, ये भाव चेतना होनी चाहिए। सारा संसार तो भाव का है, इमोशंस का है, संवेदनाओं का है। और ये संवेदना कि सब में एक ही मेरे परमात्मा है। बस भगवान ने ही अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं। इस भाव से आपको 24 घंटे रहना है। फिर इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि फिर जब आप सब में भगवान को देखोगे, माता पिता में भगवान को देखोगे, तो फिर आपको कोई तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। सास ससुर में भगवान को देखोगे, सास ससुर माता पिता अपने बच्चों में, पति अपनी पत्नी में, पत्नी अपने पति में भगवान का ही रूप देखेंगी, तो फिर उनकी गृहस्थी खराब नहीं हो सकती। विवाहेतर यौन संबंधों के बारे में वो सोच ही नहीं सकते। और विवाह से पूर्व और पश्चात योग ही योग चारों तरफ दिख रहा है, तो भोग का विचार ही खत्म हो गया। ये जो आज बड़ी बड़ी समस्याएं, इन सब समस्याओं का समाधान भगवत दर्शन है, भगवत शरणागति है, ब्रह्म भाव इसको बोलते हैं, भागवत भाव बोलते हैं। जब हम सब में भगवान देखेंगे तो बोलो किसी की हिंसा करेंगे क्या, किसी के साथ झूठ बोलेंगे क्या, किसी की चोरी करेंगे क्या है? जब सब में भगवान है तो क्यों किसी के साथ चोरी झपटी भैया, क्यों किसी के साथ हिंसा, क्यों किसी के साथ बेईमानी, क्यों किसी के साथ अनाचार। ये सारे जीवन में जितने भी दोष हैं, दूसरे में भगवान देखेंगे तो भगवान को गाली देते हैं क्या, तो किसी को गाली नहीं दोगे, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करोगे, तो ये तो बहुत ऊंचा भाव है। इस माइंड सेट में सबको जीना है। तो आज सब संकल्प लो कि हम बोलो हर पल ब्रह्म भाव में जीने का प्रयास, पुरुषार्थ
अभ्यास करेंगे, योग को अपना स्वभाव बनाएंगे, स्वदेशी को ही अपनाएंगे, जो सत्य गुरु कृपा से एक बार समझ में आ गया उसको छोड़ेंगे नहीं। आज की दीक्षा है तुम्हारी। अब एक बात समझ में आ गई कि योग करने में ही जीवन का उद्धार है, योग करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, योग करने से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, जीवन में खुशहाली मिलेगी, तो योग को कभी छोड़ना। और सबको पता है भोग का परिणाम रोग है, दुख है, अशांति है, बुढ़ापा है, मृत्यु है। जब एक बात समझ में आ गई कि देश का पैसा देश में रहना चाहिए, विदेश में नहीं जाना चाहिए, आपको ये व्रत लेकर के जाना है यहाँ पतंजलि योगपीठ से, और इस व्रत से करोड़ों भारतीयों को जोड़ना है। ऐसे तो सब जानते ही हो, लेकिन ये इतने ज्यादा उत्पाद है ना, मुख्य जो उत्पाद है वो 100 से ज्यादा है, और इनके सब ब्रांड्स और एक एक SKU, फिर औषधियां सब मिला, नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल फूड प्रोडक्ट, नेचुरल कॉस्मेटिक, ये सब मिला दिए जाएं तो ये हो जाते हैं करीब 200, कितने हो जाते हैं 200-250, और SKU मिला दिए जाएं इसके, उसके छोटे बड़े पैकिंग मिला दिए जाएं तो हो जाते हैं 500 से ज्यादा। माने आपको अपने घर में पतंजलि आपने शुरू कर दिया तो एक भी चीज बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। अभी खाली बाथरूम साफ करने के लिए करीब एक साल पहले की बात है, एक हरिद्वार की मैया बोली, बाबा ने सब कुछ तो बना दिया, वो टॉयलेट साफ करने वाला नहीं बनाया अभी, तो वो भी अभी थोड़े दिन में आ जाएगा। तो आप अभी तब तक जो है अपनी गोनाइल से साफ कर लिया करो। इसमें करीब 20% तो गौमूत्र का है, और बाकी जड़ी बूटियों के द्वारा इसको बनाया गया है। घर में केमिकल्स से पोछा लगाते हैं, पहले घर में चौका किससे लगाते थे, गोमूत्र गोबर से, अब फर्श आ गई पक्के, अब गोमूत्र गोबर तो लग नहीं सकता वहां, तो अभी भी आप गोनाइल से चौका लगाओ और गोमाता को कत्लखानों में से जाने से बचाओ, गौशालाओं को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाओ। सब भारतीय संकल्प ले लें कि हम अपने घरों में अब फिनाइल और तमाम तरह के केमिकल से पोछा नहीं लगाएंगे, अब अपने घर में गोनाइल से पोछा लगाएंगे और गोमाता को कत्ल खानों में जाने से बचाएंगे। अब गौ माता की जय कैसे होगी, गोमाता की रक्षा कैसे होगी। कल मोदी जी भाषण दे रहे, बोले मुझे बहुत गुस्सा आता है इन तथा कथित गो रक्षकों के ऊपर, मैं उनकी बात के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, बोले मुझे इन गो रक्षकों पर बहुत गुस्सा आता है जो दिन में तो गो रक्षा का काम करते हैं और कुछ दूसरे भी काम करते हैं साथ साथ में, और देश में जो है वातावरण खराब हो रहा है, तो गो रक्षा कैसे होगी। गो रक्षा ऐसे होगी, सब मेरी तरह से व्रत ले लो कि मैं गाय का ही दूध पीऊंगा, गाय का ही घी खाऊंगा, सुबह उठ करके गोमूत्र पीऊंगा, घर में गोमूत्र से बने गोनाइल से ही पोछा लगाऊंगा, तो हिंदुस्तान में करीब आज 13 करोड़ गायें हैं, ये गोमाता बच जाएगी, एक भी गोमाता कत्ल खानों में नहीं जाएगी। गाय दूध दे या ना दे, मूत्र तो दे रही है ना, गाय दूध भी देगी, अभी जो 3-5 किलो दूध देगी हमने कहा, उसके लिए तो हम अनुसंधान कर रहे हैं, जो आज 3 से 5 किलो दूध दे रही है गाय, वो 25 से 50 किलो दूध देगी, 60 किलो दूध देगी। अब ब्राजील में आपको हिंदुस्तान की गाय 50-60 किलो दूध वाली देखने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए हरिद्वार में ही गोधाम बना देंगे, वो बनना शुरू हो चुका है, अगले साल उसका उद्घाटन हो जाएगा, अभी उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, सैकड़ों मजदूर, सैकड़ों कारीगर, बड़ी बड़ी 8-2-3 JCB, 4-5 ट्रैक्टर,
लगे हुए हैं उसमें रात दिन, और हिंदुस्तान की सबसे मॉडर्न गौशाला वो बनने जा रही है। आज तक के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मॉडर्न गौशाला। अभी भी तो गौशाला अपनी बहुत अच्छी है, हमारी गायें गद्दे पर रहती हैं, शाक सब्जियां खाती हैं, सेव भी खाती हैं, मुरब्बा भी खाती हैं, च्यवनप्राश भी खाती हैं, बड़ी हेल्दी हैं। हमारी गायों को देख करके किसी को तो लगता है हे भगवान मुझे अगले जन्म में पतंजलि गौशाला की गाय बना दीजिए। बहुत सेवा होती है, तो ऊपर से पंखे चल रहे हैं, ठंडे पानी से नुलाते हैं, गद्दे पर से लाते हैं, कितने प्यार से धोते हैं, और जय हमारी पूजा भी करते हैं है? तो अभी तो ये छोटी गौशाला है, अब बहुत बड़ी गौशाला, और ऐसी गौशाला जैसे आदि शंकराचार्य जी ने चार मठ बनाए थे धर्म रक्षा के लिए, ऐसे गो रक्षा के लिए कम से कम चार बड़ी गौशालाएं तो हम बना करके जाएंगे। और उन गायों से हमने कहा 25-50 किलो दूध भी आपको पिलाएंगे, लेकिन उस तब तक क्या करो, तब तक जो है गौशाला इनको भी तो बचाना है। इसमें हम तीन बड़े काम कर रहे हैं गाय में, आपको पता होना चाहिए। अपनी पांच बड़े सेवा के कार्य हैं, उन सबका आपको पता होना चाहिए। एक तो शिक्षा की सेवा, इस देश में आने वाले समय में 25-50 हजार करोड़ रुपए खर्च करने हैं अपने को 10-20 सालों में, ये बहुत बड़ा काम है। ये पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए, तो चैरिटी में क्या करते हैं ये तो पता होना चाहिए आपको। करीब 80% चैरिटी एजुकेशन के लिए, क्योंकि शिक्षा से इस देश में समृद्धि आएगी, शिक्षा से ही इस देश में चारों ओर खुशहाली आएगी, नॉलेज को ही फिर वेल्थ में हमें परिवर्तित करना है। सब आप भाषण सुन रहे थे ना आदरणीय गडकरी जी का, मैं देखो ऐसे पीठ पीछे की बात है ये, और पीठ पीछे से तो बड़ाई कर ही सकते हैं, सामने बड़ाई करने पर कई बार ऐसा लगता है कि इनको खुश करने के लिए बोल रहे हैं। गडकरी जी एक बहुत विजनरी आदमी है, और इस समय मोदी सरकार में 4-5 जो मंत्री काम कर रहे हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ यदि कोई मंत्री काम कर रहे हैं तो मोदी जी एक मंत्री ये गडकरी जी है। इतना काम करता है ये आदमी, और इतनी सोच है, मतलब 18-18 घंटे क्रिएटिव काम करना, पॉजिटिव काम करना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कंस्ट्रक्टिव काम करना, करो बढ़ो। तो मेरे से बोले बाबा जी ये जितना भी आपका ये स्वदेशी का काम है ना, वो भारत सरकार के मंत्री होके उनकी कुछ मर्यादाएं हो जाती हैं, नहीं तो हमारे स्वदेशी के भारत सरकार में ऐसे कई मंत्री हैं। चाहे और एक बात आपको खास बताता हूं, भारत सरकार में और राज्य सरकारों में चाहे कोई किसी भी पार्टी की है, चाहे लोग हमारा कुछ लोग बाहर से विरोध भी करते हो, वैसे विरोध भी अब लगभग खत्म हो गया है, और आपकी जानकारी के लिए अब कुछ लोग थोड़ा बहुत विरोध करते भी है ना मामूली सा, तो ऊपर से करते हैं, लगभग 99% लोगों के घरों में पतंजलि के प्रोडक्ट हैं, 99%। एक एमएलए एमपी सीएम पीएम से लेकर के सब जगह, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं, क्यों, सबको अपने देश से तो हमदर्दी है ना, और सबको पवित्र चीजें चाहिए। पतंजलि से अच्छा और पतंजलि से सस्ता इस दुनिया में आज तक तो किसी ने उपलब्ध कराया नहीं, आगे कराएगा तो देख लेंगे, कोई चीज हो चाहे, इससे बढ़िया और क्या चाहिए भैया। अल्टीमेट चाहिए आपको सबको, आपको कपड़ा ऐसा चाहिए जिससे बढ़िया और कोई ना हो, आपको जूते ऐसे चाहिए जिससे और कोई दूसरी बढ़िया ना हो, घड़ी ऐसी चाहिए जिससे और कोई अच्छा ना हो, पेन ऐसा चाहिए उससे और कोई अच्छा ना हो, पत्नी ऐसी चाहिए कि जिससे और कोई अच्छी ना हो, पति ऐसा चाहिए उससे और कोई अच्छा ना हो, बिजनेस ऐसा चाहिए जिससे और कोई बढ़िया बिजनेस ना हो, खान पान ऐसा चाहिए उससे बढ़िया कोई पकवान ना हो, हर चीज आपको अल्टीमेट चाहिए, तो पतंजलि ने आपको अल्टीमेट प्रोडक्ट दिए, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। आप खोज से जाओ, सारे दुनिया के शैंपू खोज लो, केश कांति अल्टीमेट है, सारे दुनिया के टूथपेस्ट खोज लो, दंत कांति अल्टीमेट है, सारे दुनिया के शहद खोज लो है, ये दंत कांति और केश कांति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो है शहद खोज लो, शहद जो है वो अल्टीमेट है, आप कोई वाशिंग पाउडर खोज लो, वाशिंग पाउडर अल्टीमेट है, अब तो ये दूसरे उसमें डब्बे में भी आ गया है, हर चीज आपको माने ब्रेकफास्ट सीरियल से लेकर के विदेशी कंपनियां बना रही थी, ये स्वदेशी बना के दे दिया। हिंदुस्तान में हमने विदेशी कंपनियों का कब्जा हटाओ कार्यक्रम चला रखा है, कुछ प्रोडक्ट केवल वही बनाते थे कि लोग शादी विदेशी कंपनियां थी उन्हीं का कब्जा था, वो सारा कब्जा हमने हटा दिया, जूस के ऊपर कब्जा था वो कब्जा हमने हटा दिया,
और अलग तरह से टूथपेस्ट के ऊपर कब्जा था, सारी चीजें हेल्थ ड्रिंक के नाम पर कब्जा था। ये पावर बीटा ने सबका बैंड बजा दिया। इसमें जड़ी बूटियां हैं, ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, शतावर है, अश्वगंधा है, माने हमने वैल्यू एडिशन कर दिया। वो खाली जो है थोड़ा चॉकलेट का टेस्ट आता था, उसमें थोड़े से कुछ न्यूट्रिशंस होते थे, तो न्यूट्रिएंट्स हमने सारे दे दिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, सारे विटामिन और जितनी हो सकती है जड़ी बूटियां अधिकतम पोषण के लिए, तो वो डाल दी। तो अब आप देखना थोड़े दिनों में ये हॉर्लिक्स, ये बॉर्न वीटा, ये कॉम्प्लोन, ये सब भी आउट हो जाएंगे और पावर वीटा की पावर चारों तरफ देखने को मिलेगी आपको। हर्बल पावर वीटा, ये हर्बल पावर वीटा बना दिया, हर जो है एनर्जी बार बना दिया हमने, बच्चों के लिए भी चौकोज बना दिए, सब चीजें, माने घर में सुबह से शाम तक आपकी जिंदगी की जरूरत का हर उत्पाद। ये तो सारी औषधियां हैं, हैं? ये एनर्जी बार, अब जैसे अपने बच्चों के लिए तो उनका था 5 स्टार, हमने बना दिया सुपर स्टार। उनके और जो है ये एनर्जी बार अपने, अब ये पहले 30 रुपए का आता था, 15 रुपए का भी कर दिया छोटा पैक, 20 का, माने सारी चीजें, ये सारी औषधियां, औषधियों के बाद ये सारे घरेलू उत्पाद, एक कोई चीज नहीं छूटी है। नमक, आटा, दाल, चावल से लेकर के घी, तेल से लेकर के हर चीज, जो भी जिंदगी की आपकी जरूरत है वो सब पतंजलि के आपको मिल जाती है। तो आप एक संकल्प लें, और मैं आपको एवरेज बताता हूं, माने आपको मिठाई भी खानी है तो मिठाई से लेकर के केसर से लेकर के कोई चीज ऐसी बची नहीं है। और अब तो रसगुल्ला भी बना दिया गाय के दूध का, रसगुल्ला भी खाओ। और कई तरह के पहले बिस्किट तो थे ही, और अब तो ये एक डाइजेस्टिव बिस्किट बहुत अच्छा माना जाता है, विदेशी कंपनियां बनाया करती थी ये, और बहुत महंगा महंगा 500 रुपए का बेचा करती थी, और हमने उनसे 10 गुना सस्ता बना दिया और 1000 गुना अच्छा बना दिया। ये इंपोर्टेड बिस्किट खाया करते थे बड़े परिवारों में, अब सामान्य परिवारों से लेकर के मुंबई के फिल्म स्टारों तक वो यही खाते हैं, और 10 रुपए से लेकर के और थोड़ा बहुत ये डाइजेस्टिव हल्का सा जो उन जो है थोड़ा सा महंगा है, कोई ज्यादा महंगा नहीं है फिर भी है? मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप एक संकल्प लो, 25 से लेकर 50% तक आपकी सेविंग है घर के डिशवाश बाहर से लेकर के। माताओं के हाथ ज्यादातर पानी में रहते हैं, नाश्ता बनाया फिर बर्तन धो, पहले नाश्ता पकाओ तब पानी में हाथ तो लगेंगे, कुछ भी थोड़ा बहुत, या तो रोटी बनाई या उत्तर भारत में कोई पराठे बनाते हैं या कुछ भी करेंगे, तो बर्तन चम्मच कुछ तो साफ करना पड़ेगा, बर्तन माने रसोई पकाने से पहले पानी में हाथ, फिर नाश्ता दोपहर का खाना शाम का खाना खाए तो बर्तन धोने पड़ते हैं, फिर पानी में हाथ, फिर पोछा लगाना पड़ता है फिर पानी में हाथ, चाहे आप खुद करते हैं या घर में कोई बाई करती है, भाई हाथ तो हाथ है ना। अभी उसका इतना जबरदस्त हमने जो है एक विज्ञापन बनाया है डिशवाश बार का भी है? तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैंने जिन हाथों में इतना प्यार है, इतनी करुणा है, उन हाथों पर हमने अत्याचार किया, और हमने ऐसा गोनाइल और ऐसा डिशवाश बार तैयार किया जिससे आज माताओं बहनों के हाथ जो वो केमिकल वाले पोछे लगा लगा करके खराब हो गए थे, वो हाथ गोनाइल से पोछा लगाते लगाते अच्छे हो गए। नहीं तो वो सारा केमिकल वाला जो है ना, अब उसको अब हिंदुस्तान में ऐसा तो 99% माताएं तो करती नहीं है कि पहले हाथ में क्या पहनते हैं वो,
ग्लोव्स, ग्लव से पहन करके तो कोई माता पोछा लगाती नहीं, ग्लव पहन करके कोई माता बर्तन साफ करती है क्या? ऐसे ही करती है। तो वो डिशवाश बार भी ऐसा है, ये देखो ये, इसमें नींबू है। हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के इतिहास में हमने पहली बार राख, नींबू और नीम से डिशवाश बार तैयार किया, पहली बार। अब सब भी नींबू तो डालने लग गए, अब भी नीम नहीं डालते, और राख से कैसे बनता ये टेक्नोलॉजी उनको नहीं पता। अब वो टेक्नोलॉजी की बात करते थे। हमने क्या किया, पतंजलि आयुर्वेद में जड़ी बूटियों से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, सैकड़ों हजारों टन जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट निकलता है, तो उसको पानी में पका के उसका घन सत्व निकालते हैं। घन सत्व निकालने के बाद जड़ी बूटियां बच गई, आंवले का जूस निकाला तो उसका कचरा बच गया नीचे का, फिर जो भूसा टाइप बच जाता है फिर उसका फाइबर, ऐसे एलोवेरा का जूस निकालने के बाद उसका भी सूखा बच गया, उसके सबके हमने ब्रिक्स बना दिए। उसको फिर हमने जो है, हम कोशिश ये करते हैं कि 0% वेस्ट पे काम किया जाए, तो उसका फिर हमने राख बना दी, उस राख को, जड़ी बूटियों की राख को इसमें डाल दिया। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर वाले राख जड़ी बूटियों की कहां से लाएंगे, और उनको फिर ये टेक्नोलॉजी नहीं पता कि इसको बनाते कैसे हैं, क्योंकि बनाते फिर वो फट जाती है राख से बनाते ही। हमने पहली बार जो है मुल्तानी मिट्टी से साबुन बनाया, 10 साल लगे हमको, मुल्तानी मिट्टी से साबुन आज तक दुनिया में कोई नहीं बना पाया, ये हमने पहली बार करके दिखाया। मैंने अपनी माँ को बचपन में सिर धोते देखा, माँ क्या करती थी, मुल्तानी मिट्टी में खट्टी छास डाल देती थी, फिर उससे सिर धोती थी, और बाल ऐसे सिल्की सिल्की रहते थे, जो आजकल जो है वो कंडीशनर लगाती है ना। ताजमहल बीच में प्रदूषण से बहुत काला काला हो गया, तो ताजमहल की सफाई करने के लिए मुल्तानी मिट्टी लगाई, तो दोबारा से ताजमहल भी चमकने लग गया। ये आपको सच्ची बात बता रहा हूं, अब ये मुल्तानी मिट्टी से साबुन बनाया। जिनकी चमड़ी बहुत नाजुक है, अब वो बोलते तो थे कोमल सी त्वचा का एहसास, अब वो कोमल त्वचा का एहसास कैसे बरकरार रहेगा, अब कोमल त्वचा के ऊपर केमिकल लगा रहे थे। हमने ये बना दी मुल्तानी मिट्टी की साबुन, और जितने भी फिर ये आप ट्रांसपेरेंट सोप देखते हो ना, नारियल तेल और दूसरे वेजिटेबल ऑयल, 40% हम लोग तेल डालते हैं, 40%। अब इसलिए इनको दुकानदारी ठप्प होने की हो रही है। अब देखना, थोड़े दिनों में हिंदुस्तान के हर एक बाथरूम में साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, क्रीम से लेकर के और रसोई में पकने वाले जो है दाल से लेकर के, रोटी के आटे से लेकर के, चावल से लेकर के, नमक से लेकर के, मसालों से लेकर के, सब कुछ पतंजलि का ही होगा। क्यों? क्योंकि पतंजलि से सस्ता और अच्छा कौन दे सकता है? नमक है 12 रुपए किलो, जितने भी दालें हैं, अब ये नमक आयोडीन नमक है, आयोडीन नमक 12 रुपए किलो है ये, और बाकी 18, 20, 25 रुपए किलो तक बेच रहे हैं वैल्यू एडिशन के नाम पर। अरे बताओ, नमक चुटकी भर खाते हैं हम लोग, उसमें से मतलब क्या, अब बहकावे में कुछ भी बहका दो, ये तो नमक तो थोड़ा सा स्वाद के लिए होता है। अब क्योंकि नेचुरल नमक उतना ज्यादा नहीं मिलता है, नहीं तो हम तो सेंधा नमक का प्रचार करते थे शुरू में, वो हमने उपलब्धि भी कराया था, बीच में बंद करना पड़ा क्योंकि उसकी उपलब्धता इतनी नहीं है, इसलिए फिर ये समुद्री नमक है, समुद्र के पानी में को उड़ा देते हैं ना, तो उसमें से जो खारापन बच जाता है, तो ये नेचुरल साल्ट है, ये भी नेचुरल ही है। खैर, आपको अब ज्यादा तो नहीं, लेकिन अपने पतंजलि के कार्यकर्ताओं को तो मिल ही जाता है ये पतंजलि बूरा। अब ये बिना केमिकल वाला बूरा है, पहले घी बूरा शक्कर खाते थे, फिर ये जो है ये वो है मधुरम, दूसरा है ब्राउन शुगर बोलते ना जिसको, आजकल जैगरी पाउडर बोलते हैं, जैगरी पाउडर, ये जैगरी पाउडर है, तो चीनी के स्थान पर इसको खाओ, शहद का प्रयोग करो, बिना केमिकल वाली चीजें। और जो है ये अभी मिल्क पाउडर, अभी दंत कांति में एक एडवांस भी बना दिया है, जिनको जैसे इसका कलर किसी किसी को पसंद नहीं आता, तब जड़ी बूटियों का नेचुरल कलर है, तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा रेडिश कलर है इसका, नेचुरल है वो भी, और ये एडवांस बना दिया है 26 जड़ी बूटियों से, इसमें 13 जड़ी बूटियां थी, इसमें 26
पर ये एडवांस बना दिया है, पैकेजिंग भी बहुत एडवांस है और इफेक्ट भी बहुत एडवांस है। तो टूथपेस्ट के नाम पर लूट मची हुई थी सब चीजें। मैं आपको इसलिए थोड़ी सी बात बता रहा हूं, पहले ट्रॉपिकाना वर्ल्ड्स नंबर वन जूस ऐसा बोल भेजते थे, और ये मैंगो ड्रिंक है, उनसे सस्ता, उससे ज्यादा पल्प है इसके अंदर, उससे ज्यादा इसके अंदर टेस्ट है। दो ही चीजों पर ये चीजें बेचते थे ना, एक तो फ्रेग्रेंस है, एक फ्लेवर। खाने पीने की चीजों में फ्लेवर कितना टेस्ट अच्छा है, और बाकी कॉस्मेटिक में फ्रेग्रेंस सुगंध कितनी है। तो हमने नेचुरल फ्लेवर और नेचुरल फ्रेग्रेंस और नेचुरल प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए, आप देखना आने वाले 3 सालों में सारी विदेशी कंपनियां या तो हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाएंगी या उनका सबका शीर्षासन हो जाएगा। वो शायद हो सकता है 3-4-5 सालों के बाद में पतंजलि ही इन सबका टेक ओवर कर ले ये भी हो सकता है। हैं तो अपने ही लोग इनमें काम करने वाले, ब्रांड विदेशी है, पैसा विदेश में जाता है, फैक्ट्री हमारे लोगों से बनवाई, हमारे इंजीनियर, हमारे मजदूर, हमारी जमीन, हमारी मिट्टी, हमारी ईंट, हमारा लोहा, फैक्ट्रियां हमारी, दुकानें हमारी, दुकानदार हमारे, ग्राहक हमारे, बेचने वाले हमारे, मार्केटिंग वाले हमारे, उनके हेड भी लगभग यहाँ पर हमारे हैं, इंटरनेशनल हेड उनके कुछ विदेशी हैं। तो इन थोड़े दिनों में अब इन क्यों, क्योंकि हमने ये ठान रखा है ये भाई चाहे हमको 1% भी प्रॉफिट मिले, और कुछ प्रोडक्ट तो इसमें करीब 20-25 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम बिना प्रॉफिट के बेचते हैं, जैसे नमक हम बिना प्रॉफिट के देते हैं, जैसे दालें हैं जैसे अब दाल है, अब दालें हमने तय कर रखा है, जितने भी दालें हैं दालें जो है 1 से लेकर के 2%, और वो भी उतना भी वो सारा यदि कुल टोटलिटी में देखें तो हम दाल बिना प्रॉफिट के बेचते हैं, नमक बिना प्रॉफिट के बेचते हैं, और ज्यादातर जो घर में उपयोग होने वाली वस्तुएं, क्यों, नेचुरल दालों के नाम पर लूट मची हुई थी। हमने अनपॉलिश्ड नेचुरल दालें उपलब्ध कराई, और आपकी जानकारी के लिए अब चारों ओर पतंजलि ही पतंजलि छा रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थोड़ा वीक था उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि पतंजलि के प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं। 1 महीने के भीतर अभी हमने सब जो है प्रोडक्शन से लेकर के सप्लाई चेन से लेकर के नीचे C&F सुपर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के पूरा ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया है। अभी तक तो क्या था, बड़ी बड़ी दुकानों पर अपने पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र और पतंजलि मेगा स्टोर के अलावा बड़े बड़े जो शॉप्स थे उन्हीं पर पतंजलि के प्रोडक्ट्स मिलते थे। तो अभी हमने सबको बोल दिया है, खबरदार होशियार, जहां जहां विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट मिलते हैं दुकानदारों से भी बोलते हैं भैया आप जो है पतंजलि का प्रोडक्ट सबसे ऊपर रखो और दुकान में उस विदेशी कंपनियों का प्रोडक्ट उसके नीचे रखो। तुम भी तो हिंदुस्तानी हो भाई, अरे तुम्हें वो भी प्रॉफिट दे रहे हैं तो पतंजलि भी तो आपको प्रॉफिट दे रहा है ना, है? हो सकता है 1-2% कम देता हो, क्योंकि हम लोग जो है प्रॉफिट कम रखते हैं, तो क्या दिक्कत हो गई, अरे देश के लिए थोड़ा तो करो। तो अभी लोग करने लग गए और अब ये काम बहुत आगे बढ़ेगा, इतना आगे बढ़ेगा। तो ये आपको एक तो छोटा सा ही संकल्प बताया मैंने।